वेलकम YouTube फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस YouTube पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में। नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की, 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा रही हैं। भाई, ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, भाई बैठ जाओ। अरे रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों। भाई दिल भाग भाग कर दिया आप लोगों ने तो, इसीलिए आज मैं ये छोटी सी जैकेट पहन के आई थी, क्योंकि मुझे पता था मैं उड़ूंगी। जाते ही मुझे ऐसा माहौल मिलेगा, मेरा दिल ऐसा हो जाएगा मैं तो उड़ूंगा, है ना। तो वो वाला फील मुझे आ रहा। थैंक यू भाई प्यारे बच्चों इतना प्यार देने के लिए। और जो खड़े हैं भाई वो बैठ जाओ बच्चे, और बाकी आपको खड़े होने की अनुमति नहीं थी भाई, क्योंकि अगर अब जो सेट हो रहे हो यहाँ से हिल जाते तो एक दो खड़ा ही रहता फिर। फिर वो जगह ही ना मिलती। क्या बात है भाई, मुझे लग रहा आते पहले बैच वाले भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। एक बार हाजिरी लगवाओ भाई, हाथ उठा के, ओ माय गॉड, इतने कहां कहां से पहुंच गए, ज्यादा दूर वाले भी हैं। ज्यादा दूर वाले कौन कौन है भाई, क्या बात है भाई। भाई मोस्ट वेलकम हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आपका। ओके, और भाई हमारे जो रेगुलर चले हुए हैं स्टूडेंट्स, आपका तो दिल से शुक्रिया रोज होता ही है, और आज फिर से दिल से धन्यवाद यहाँ पे जो इतनी बढ़िया आउटिंग की आप लोगों ने, सभी ने मिलके, उसी का थैंक यू। हाँ भाई, लाइव वाले स्टूडेंट्स एक बार दिखाओ भाई हमारे बच्चों को, मैं देखना चाहूंगी कि जो लाइव में जुड़े आपका भी, जो आपने एक बार पहले लाइव वालों से 2 मिनट बात करती हूँ, जो जो लाइव स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, आपने वो एक ट्रस्ट दिखाया हम पे कि बहुत अच्छा सिखाएगी टैलेंटेड रितु इंसा, तो चलिए क्यों ना एक बार हम उनकी क्लास लेके देखें। तो हम आपकी उस उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। जो जो अभी बिल्कुल आज नए जुड़े हैं, बाकी जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि हम कैसा सिखाते हैं। तो एक बार हमारे स्टूडेंट्स से मिलाते हैं आपको कि कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठा हुआ है। एक बार सारे हेलो हाय करना भाई ऑनलाइन वालों को, एक बार दिखा दीजिए कैमरे को घुमा के, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई ऑनलाइन वालों देख लो मेरे स्टूडेंट्स मुझे कितना भर भर के प्यार देते हैं, आज नीचे ही बैठने के लिए रेडी हो रहे हैं सारे के सारे। और ये ऑफलाइन में है, एक रिकॉर्डेड बैच तो कोई भी दे दे, ऐसे लाइव सामने बिठा के क्लास देना, हम तो अपने आप पे गर्व फील करते हैं भाई। कि कितने स्टूडेंट्स को हम एक साथ बिठा के क्लास दे सकते हैं। रिकॉर्डेड तो एडिट करके भी दी जा सकती है ना, ये तो सब कुछ सामने ही होएगा। अब मस्ती करोगे या फिर क्लास भी लोगे? हाँ, एक बार बस पीछे वाले चेहरे को और दिखा देते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, वरना जो लाइव में पहली बार जुड़े हैं ना उनको नहीं पता हमारी हरकतों का, वो यू सोचेंगे अच्छा इनकी नौटंकियां ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर ये नौटंकियां ना हो तो भाई फिर क्लास बोरिंग लगने लगती है ना। बाकी आप लोगों ने काफी लंबा वेट किया, 11 बजे का था हमारा वर्कशॉप और वो हमने थोड़ा सा खिसका के 12 बजे का कर दिया, क्योंकि
हमारे काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एक आध बार हमारे से मिलने के लिए, जो हम टाइम फिक्स करते हैं उससे अलावा भी कि एक बार तो बस मिलना है, एक बार तो मिलना है, फिर वो हमारा एक घंटा ना वहां पे कवर हो जाता है तैयारी के साथ साथ। तो चलिए भाई एक बार करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, और क्लास भी है बिल्कुल मास्टर क्लास, ब्लेजर की क्लास भाई, क्योंकि आप सारे के सारे इच्छुक हो इस चीज के, जो मुझे रोज बर्डन रखते थे मैडम हम सिखाना चाहते कुछ और, ब्लेजर सिखा दो। आज वो दिन आ गया आपका, मैं कुछ भी बोलती हम सिखाने जा रहे हैं आपको ये साड़ी, आपको ये क्लास, ये वर्कशॉप, मैडम ब्लेजर सिखा दो। तो आज आपका वो दिन आ गया है उतनी इच्छा से सीखना भाई, और बहुत ही इतना इजी मेथड सिखाएंगे आपको, आज तक किसी ने भी नहीं बताया, चाहे आपने YouTube पे ढेरों वीडियो देख ली हो। क्योंकि दूसरा इजी हम इसको क्यों कह रहे हैं, जो नया स्टूडेंट है उसको तो नहीं कह सकते, उसको एकदम से आसान लगेगा, लेकिन जो हमारा बैच जाने वाला है और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स आए हुए हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी क्लासें ली है, उनको बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने हमारे सारे मेथड जान लिए हैं और हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं सारी मेथडों को इसमें यूज करेंगे ब्लेजर में। जो हम कुर्ती पे ब्लाउज पे मेथड यूज करते हैं ना, सारे के सारे सेम होंगे तो मुश्किल आपको नहीं लगने वाला। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि इसमें कितना क्या फैब्रिक लगेगा, इसमें कितना मीटर फैब्रिक लगेगा, कौन सा फैब्रिक यूज कर सकते हैं, क्या क्या सामान यूज होएगा, मतलब क्या क्या मटेरियल हम इसमें यूज करने वाले, वो सारी डिटेल ले लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं। नहीं। कितने प्यारे बच्चे हो रहे, हो भी रही है तो भी मुझसे जाहिर नहीं होने दे रहे, ठीक है, इसी को तो लक तक, जो लक्ष्य है हमारा वहां तक पहुंचने वाला रास्ता कहते हैं, कि थोड़ी सी परेशानी झेलने से अगर आपको ब्लेजर सीखने को मिल रहा है तो उसमें दिक्कत ही क्या है। एक बार स्टार्ट करें, जूम कीजिए, देखिए आपके ग्रुप में आपके पास इसकी फोटो भी शेयर कर दी जाएगी, बाकी आपको फिर भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं हम। हमने जो मेन फैब्रिक लिया है वो लिया है लाइक्रा। आप किसी भी ब्लेजर की शॉप पे जाओगे ना तो आप ब्लेजर वाला फैब्रिक कह के मांग लेना कोई भी, हमने लिया है लाइक्रा फैब्रिक, ठीक है। लाइक्रा वैसे ये भी आती है, आपने देखा जो हम चिपकाते हैं, इसी के नाम से फैब्रिक भी आता है, इसको साइड में रखते हैं एक बार। ये फैब्रिक लिया हमने ब्लेजर वाला लाइक्रा नाम से, जो कि शॉप वाले देता है। हम कौन कौन सा फैब्रिक ले सकते हैं इसमें वो चीज समझिए, हम ले सकते हैं लिलन, ट्वीट, फ्रेस्को, सिल्क और ट्विल। ये अजीब से नाम लग रहे हैं आपको, क्योंकि आपने कभी यूज ही नहीं किया, मुझे भी लगे थे। जूम कीजिए भाई थोड़ा सा और अच्छे से दिख जाए, मुझे भी लगे थे, क्योंकि मुझे, मैंने भी जो भी अपने ब्लेजर बनाए ना एक दो फैब्रिक के ही बनाए हैं, जब स्टार्टिंग में जब मैंने ये नाम देखे थे तब, क्योंकि हम क्या करते हैं गूगल पे सर्च मार के देखते हैं कि कौन से नाम है, दुकानदार से ही पूछते हैं, तो फिर वो दुकानदार भी अजीब से नाम बताता है, फिर वो वाली चीजें समझ नहीं आती। लेकिन मैं दो तीन फैब्रिक के ही ब्लेजर पहनती हूँ, और अब जो बनाते हैं ना हम, वो हम हमारी यहाँ से ही फैब्रिक उठाते हैं और बना लेते हैं, कोई भी प्रिंट वाला फैब्रिक दिखा उसी का ब्लेजर बना लेते हैं। तो आप ले सकते हो कौन सा, लिलन में, ट्विड में, फ्रेस्को, सिल्क और ट्विल, ये हैं हमारे ब्लेजर के फैब्रिक के नाम। बाकी आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ब्लेजर का फैब्रिक जो रखता है वो शॉप अलग होती हैं, उनसे आप कोई भी फैब्रिक मांगोगे तो वो आपको दिखा देंगे, जो आपको हाथ से फील करके देखना, जो आपको अच्छा लगे वो उठा लाना, ठीक है। वरना आप स्टार्टिंग में जब बना रहे हो तो जैसे मैं पहनती हूँ ना वो वैसे ही प्रिंट के वैसे ही कपड़े से एक बार बना के देख लेना, सबके अच्छे लगते, किस कोई भी फैब्रिक पे आप ब्लेजर बना सकते हो, कोई भी फंकी कलर उठा सकते हो, और नहीं तो देखो जो मैंने पहन रखी है अभी, इस कपड़े का ब्लेजर बना लो आप, कोई भी सिंपल सा आपके घर पे पड़ा है ना उसी का ब्लेजर बना लो, हमारे हाथ में है कि जो भी फैब्रिक
थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है उसका ब्लेजर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जींस के फैब्रिक का ब्लेजर बना लीजिए, ठीक है। फिर आती है बारी इनर कौन सा लेंगे। इनर हमने जो लिया है वो लिया है यहाँ पे साटिन, पॉलिस्टर साटिन भी जिसको बोलते हैं, तो चमकीला हा ब्लेजर में लगता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं आप यही इनर लो, हम बहुत कम यूज करते हैं इसको, लेकिन आप ब्लेजर जब देखते हो रेडीमेड आते हैं तो उसमें ये लगा हुआ आता है, इसलिए हमने आपके लिए उठाना पड़ा है, हम इसको कम लगाते हैं। हम कौन सा भी लगा सकते हैं, क्रेप का लगा सकते हैं, हम तो फियोना का ज्यादातर लगा लेते हैं, और छोड़ दो आप इनर ही तो लगाना है, फियोना का लगाते हैं और पॉलिस्टर, जैसे किसी तरीके से कोई एक और आता है प्लेन में वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इनर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी लगा सकते हो, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी मर्जी, हमारा फैब्रिक, हमारी बॉडी पहनने वाली, तो हमारा जी करेगा वो लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने जो लिया उनके बारे में बताते हैं, लाइक्रा लिया है और ये लिया साटिन में, क्लियर हुआ। उसके बाद हमने एक ये लिया लाइक्रा, फ्यूजिंग लाइक्रा, जिसको हम चिपकाएंगे इस फैब्रिक के ऊपर। अब आ जाती है कि हमने कितना फैब्रिक यूज किया है, मेन फैब्रिक हमने किया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के करीब लग जाएगा, बल्कि नहीं भी लगेगा, वो तो साइज के ऊपर, यानी कि कहने का मतलब 1.5 मीटर में आपका ब्लेजर बन जाएगा, ठीक है, 1.5 मीटर में आपका ब्लेजर बन जाएगा। लेकिन वो 1.5 मीटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी विड्थ बिल्कुल ही 1500 की हो, फिर नहीं बनेगा भाई। हमारे फैब्रिक की विड्थ कितनी है वो देखिए आप, 56, यानी कि पूरे ओपन में 56 चौड़े पने वाला है, और इसकी 56 से 58 तक की विड्थ है, यानी कि जो हम बोलते थे 60 का पना आता है और 40 का आता है, ठीक है, तो हमारा चौड़े पने वाला है। हमने लाइक्रा कितनी यूज की है, हमने लाइक्रा यूज किया 1.5 मीटर, जो कि अभी आपको ब्लैक कलर की दिखाई, ये वाइट और ब्लैक दो कलर में आती है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी जो फैब्रिक में मैच हो रही हो वो ले सकते हो, ये बिल्कुल बारीक एक फैब्रिक के जैसे ही होती है। उसके बाद फ्यूजिंग, फ्यूजिंग हमने कितनी यूज की है, वो हमने 0.5 मीटर यूज की है, वो ज्यादा जरूरत में नहीं आएगी, जैसे कि वो कॉलर में हम यूज करेंगे, कॉलर जो हम बनाएंगे और ये आगे पट्टी जो फोल्ड होती है इनमें यूज करेंगे, और एक आध जगह जैसे कि हम पॉकेट लगाएंगे इसमें आगे उनमें यूज करेंगे। उसके बाद हमने लिया है एक शोल्डर पैड, ये लिया हमने एक सेट, एक सेट किसको बोल रहे हैं हम शोल्डर पैड, इसको जो आपने देखा होगा ना, ये शोल्डर उठे हुए दिखते हैं ब्लेजर के, वो ये ही राज होता है भाई, ये लगा देते हैं, ठीक है, तो हम आपको ये सब लगाना बताएंगे। एक हमने ली है रिविल सिविल, रिविल सिविल का इसमें काफी महत्व रहेगा, काफी जगह हम प्रेस की हेल्प से इसको चिपकाएंगे, काफी जगह इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी इसमें जो यूज होता है जिस चीज का, वो होती है प्रेस, प्रेस इसमें बहुत ज्यादा यूज होएगी। मतलब अब मैं एक बात आपको मैसेज जो देना चाह रही हूँ, अपने अपने घर पे जाके बनाना भाई बहुत ज्यादा प्रेस यूज होएगी, आपने जो 3 महीने में नहीं बरती होगी वो एक दिन में पूरा कर जाओगे आप लोग, तो अपने घर पे बनाना भाई अपने अपने ब्लेजर, क्या वरना प्रेस उधारी मांग लेना भाई, वरना है ना पता है रविंदर भाइयों कहेगा ऐसा क्या चला दिया गया है 2 दिनों में, इतना बिल इन 2 ही दिनों में कैसे आ गया, उनको क्या पता दीदी ने क्या सिस्टम रच दिया पीछे से। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेस यूज होएगी हर तह पे, हर जगह पे, हर जॉइंट पे, ठीक है, तो इसमें ये बिल बहुत ज्यादा आने वाला है भाई, अपना डर सबको साक्षी है भाई, क्या करें। एक हमने लिए ये बटन और रील, इनका सबको पता ही है, हम बटन भी लगाने वाले हैं, तो चलिए एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं। एक मेजरमेंट, बाकी मेजरमेंट हम आपको लेना बताएंगे कि क्या क्या मेजरमेंट लेना होगा, हमने ये लिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होए, तो मेजरमेंट एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे मेजरमेंट लेना होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास। कोई भी एक लड़की आ जाओ भाई, अपना खाना पीना साथ लेकर आयोगे, लेकर आयो, आज तो सही ना लाते भाई, क्योंकि आज तो 2 ही घंटे में निपटा देंगे हम,
टीचिंग की है बट अच्छा उच्चार हो रहा है क्या? चलो एक बार सबसे पहले हम लेंगे लेंथ, ठीक है? अब सबने जिसने मेरी क्लास देखी है ना उसको तो ये बहुत आसान लगने वाला है, ऊपर से जो मैं मेजरमेंट लूंगी वो आप सबको आते हैं तो आप उसमें यही बोलोगे मनी मनी में कुछ नया नहीं था ये तो हमें आते हैं, और मैं चाहती भी हूँ कि आप यही बोलो। देखो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, हम लेंथ कैसे लेते हैं, यहाँ से अपने अगर हमारे ब्लाउज भी देखे हैं अरे वेस्ट कितनी आ रही है, वेस्ट वैसे मैंने एक आइडिया बता भी रखा आपको, लोअर बस्ट से हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारी जो वेस्ट है वो जैसे कि मान के चलो 14 इंच पे आ रही है। उसके बाद हमने ब्लेजर की लेंथ कितनी करनी है, ये यहाँ से ऐसे ही रखना है क्योंकि सीधा रखेंगे तो 1 इंच छोटा हो जाएगा हमारा ब्लेजर। उसके बाद लेंथ कितनी रखनी है हमने, हम लेंथ रख सकते हैं शॉर्ट भी, आपने देखा होगा मैं बिल्कुल छोटे छोटे भी पहनती हूँ, हिप तक भी, और लॉन्ग भी बनाते हैं ना वो भी। हम आपको एक ब्लेजर का सारा मेथड समझा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सारे ब्लेजर बना सकते हो, जो लगभग सारे मतलब कुछ कुछ चेंज होता है थोड़ा बहुत कॉलर वॉलर में, बाकी सारे बना पाओगे। यहाँ से फिर हम देखेंगे कि हमने लेंथ कितनी करनी है, जैसे कि नॉर्मली जो लेंथ होती है वो हिप राउंड तक होती है जो स्टैंडर्ड साइज एक ब्लेजर का होता है, तो इनकी अगर देखें तो वो कितना हो गया, जैसे कि हम इनका बना सकते हैं 22, 23, 24, 25 इतना, ठीक है? कि लेंथ हमने कितनी रखनी है वो तो हमारे टेस्ट के ऊपर है ना, हम कितना ऊंचा पहनना चाहते हैं कितना नीचा, ज़्यादातर स्टैंडर्ड साइज होता है 22, 23, 24, ठीक है जो स्टैंडर्ड साइज, और वो छोटे वाले जैसे कि मैं पहनती हूँ वो तो सारे ही 16-17 के होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनकी कि आपने लेंथ कितनी रखनी है वो बना सकते हो। ये हो गया ओनली नेक का, जो फैब्रिक है वुलन है इनका तो वैसे भी तो वो नहीं देखेंगे हम, यहाँ से साइज मापेंगे, जैसे कि इनका आया अब 12.5, अगर वुलन ना हो तो 11.5 के करीब ही मिलेगा इनका, ठीक है? तो यहाँ से हम टाइट इसका देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत लूजिंग हो, एक उंगली जैसी बस और नहीं, कि यहाँ से गर्दन का ये हमें साइज लेने होंगे। बैठी आगे कोई ज़रूरत होगी तो हम आपको समझा देंगे, बस ये सेम वही साइज हैं जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं। इसमें हमने लेना है 2.5 इंच एक्स्ट्रा, ये 2.5 क्यों लेना है वो आपको आगे आगे बताएंगे हम, यानी कि याद रखना एक चीज कि हमने लिया है 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में, लेकिन इसमें उसमें हम कितना डाउन करते हैं, जितना हमारा शोल्डर है उसको 12 से डिवाइड करते हैं, इनके शोल्डर स्लोप करते हैं, जिसने भी क्लास से ले रखे है उसको समझ आ रहा होगा कि शोल्डर स्लोप हम करते क्यों हैं। चलिए एक बार क्लास स्टार्ट कर देते हैं, अभी तो हमारा फ्रंट पार्ट कटा है, और ऐसा मत कर देना कि जैसे ही अब खाया है कुछ वो फ्रंट पार्ट ही गायब हो गया दिमाग से कि क्या बताया था पता नहीं आप जब कट करने लगोगे ना तब समझ में तो आ जाएगा, लेकिन एक बार होता है जहाँ पे हम बैठे होते हैं वहाँ तो सब कुछ समझ आ गया, बाहर जाते ही गोल, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लास लेनी होगी भाई। और जिसने भी डिजाइनर बैच लिया है ना, डिजाइनर बैच में वो लाइव दिख रही होगी, क्या पेंट के लिए फिर कभी टाइम रखेंगे, ये बड़ी मुश्किल से रखा है हमने, मतलब हर दिन कुछ काम है हमारा, हर दिन आ चुके हैं ना, आज लाइव चल रही है डिजाइनर बैच में, पेंट अपनी धक्के से जैसे भी भुंडी सुंदर बनाना चाहो बना लेना भाई, 2 दिन मुश्किल से निकाले हैं, आप देखोगे ये 2 दिन के बाद हमारे दो कितने बिजी, और 2 दिन भी नहीं निकाले, कल भी मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है वहां के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो जैसे ही वर्कशॉप खत्म होएगा फिर वहां भागने की तैयारी, मतलब ऐसे बिजी शेड्यूल ज्यादा है, तो 2 दिन मुश्किल से निकाले। पैंट को तो आप हम जैसे सिंपल बनाते हैं ना, बस उसकी आपने जिप चेंज करनी है, यहाँ की बजाय यहाँ लगा देना, बना लोगे आप पैंट में कोई कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए हाँ हाँ स्कर्ट और टॉप बना के ब्लेजर पहन लेना भाई, बढ़िया आइडिया। चलिए अब एक बार बैक पार्ट कट कर लेते हैं, तो हम इसको कटिंग भी कर रहे हैं बातें भी कर रहे हैं, मुझे है ना काफी ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है
बैक में 3-4-5 स्टूडेंटों को छोड़ के जा रहा है। भाई साहब कईयों ने हाथ उठा लिया। पता है ये कब होता है? जब वो खुद सेटिस्फाइड है मुझसे, वरना कोई नहीं किसी को ये कहता कि वो बढ़िया सिखाती है। वो यही कहते हैं और कहने से तो बिल्कुल नहीं कहता कोई। जब वो खुद माइंड से ऐसे सेटिस्फाइड होते हैं ना कि हाँ अच्छा सिखाया, तो नेक्स्ट आगे अपने आप ये कह देते हैं कि भाई अगर सीखना तो वहाँ सीख लो, अच्छा सिखा रहे हैं। तो तभी जाके आप देख रहे हो हर बार मेरे पहले अगर 100 आ रहे हैं तो अगले बैच में 150, और वो उन्हीं स्टूडेंटों के रिलेशन वाले होते हैं। तो इस बात को जानकर भाई मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू भाई स्टूडेंट्स, ये आपकी बदौलत ही ऐसा कुछ होता है। हर बार का ही यही मुझे सुनने को मिलता है, तो काफी अच्छा लगता है मुझे। आज शायद एक वो लड़की बैठी है जो सुबह सुबह मेरे से मिली थी, आप हो? हाँ, एक लड़की सुबह सुबह उठ सकते, आना चाहते हो लाइव में? तब के बैठे हो आप, मैं तो सोची चले गए होगे। कहाँ से हो बच्चे आप? महेंद्रगढ़ से। वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? इनको है ना मिलाया नहीं गया, स्टाफ वालों ने मिलाया नहीं। महेंद्रगढ़ राजस्थान इतनी दूर से आई भाई, ये रोने लगी भाई, है ना। तो मेरे सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे तो मिलना, और वो मैं ब्लेजर की तैयारी कर रही थी ना इसलिए, तो फिर मुझे बताया, तो भाई मेरा तो आपको पता ही है भाई, ब्लेजर जाओ भाड़ में स्टूडेंट्स को मिलाओ भाई। ये आ गए फिर मेरे पास, फिर मैंने इनको एक छोटी सी बात कही कि हम सच में ही सिखाते हैं भाई। बच्चे देखो मैं तैयारी कर रही हूँ आपकी आंखों के आगे ही, और उस टाइम मैं कर रही थी ना तैयारी कितना कपड़ा लेना है, और मैंने इनको बोला कि आप है ना एक बार वर्कशॉप देख सकते हो। ये इन्होंने फिर उस टाइम ये भी कहा मुझे बैठना थोड़ी देर, ये ऑफिस में फिर बैठ गए। वो स्टाफ वाले इनको बाहर निकाल रहे, ये बोले हमें तो बैठना है। फिर मैंने बोला भाई बैठ जाने दो, क्या कुछ कह रही है? ये कह रही है मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मुझे बैठना है। भाई जब कुछ कह ही नहीं रही है तो क्यों खींच रहे हो अगली को? तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई मुझे मेरे ऐसे स्टूडेंट सारे ही। आप ऐसे हो शायद, आप फील कर रहे होगे अपना वो दिन जब आप भी स्टार्टिंग में आए होगे। मैंने इनको ये कहा था कि आप है ना थोड़ी सी देर बैठ जाओ, आधा घंटा, इनको इतना इंटरेस्ट आ गया तब के बैठे हैं। मुझे तो लगा जा चुके होंगे, समझ आ रहा कुछ? मुझे तो नहीं लग रहा पल्ले पड़ रहा होगा, क्योंकि नए बच्चे को पल्ले नहीं पड़ सकता भाई, एकदम से दिमाग खराब करने वाली क्लास होती है नए के लिए। तो आती है थोड़ा थोड़ा तो जरूर आया होगा, वरना जो मैंने बताया वो वाला आइडिया बढ़िया है ना। अब ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं क्या बता दिया। भाई वीडियो देख लेना, सारे तरीके तो बता ही दिए हैं सभी साइजेस के लिए। ओके, जो बॉडी का आर्महोल था वो हमारा 16 है, लेकिन ये काफी बढ़ा लिया जाता है थोड़ा सा यहाँ से। अब हम इससे मेजर करेंगे, हमारा 19.5 के करीब है, 19.5 के करीब। और जब हम इसको पहनेंगे ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि आधी जगह हमारा पफ ले लेता है। जैसे कि आपको याद हो हमने बढ़ाया था 0.25 नॉर्मल साइज से, तो इसलिए हमारा आर्म होल इतना बड़ा आ रहा है। तो इसमें मेन आर्म होल का एक आप वैसे ही आइडिया ले सकते हो, बाकी ज्यादा यूज नहीं होता कि 16 है तो उतना ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा देते हैं, हमने मापा हमारा आर्म होल आया 19 का। फिर से दोबारा से एक बार चेक करना चाहो कि फ्रंट का और बैक का अलग अलग देखना चाहो तो यहां से आप चेक कर सकते हो। ये 9 इंच है, और यहां से अगर आप देखोगे, क्योंकि फ्रंट में चटाई भी हो गई है तो इसलिए थोड़ा है ये बड़ा मिलेगा, ये 10 इंच के करीब है। ठीक है, तो 9 और 10 19 उतना ही हमने मापा था। इसमें हमने देखो जो मैंने बोला कि डर्ट हम कैसे लेंगे, इसलिए आपके सामने लाए गए हैं कि ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ, थोड़ा सा जूम कर सकते हो अगर कीजिए तो। ये देखिए, ये हमारी साइड सिम है जो हमने अभी कट किया है, इसके साइड में कहीं भी ज्वाइंट नहीं है फिटिंग पे। अभी यहां से दिखाएंगे, इसकी जो साइड है ना वो ये है ये, लेकिन ज्वाइंट नहीं है, वो हमने निकाल दिया। सेप आप थोड़ी बहुत इधर उधर दे सकते हो, कई तरीके के ब्लेजर बनते हैं, कॉलर कई तरीके की बनती है, लेकिन मेन एक मेथड रहता है ना वो यही रहता है। अब इसी मेथड को आप इधर उधर सेट कर सकते हो। आपको समझ तो आ गया कि फैब्रिक कहाँ से निकालना, कहाँ से डर्ट निकालने, कहाँ से क्या करना है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ये हम आपको पॉकेट लगाना सिखाएंगे इसी ब्लेजर में, ये पॉकेट आपको लगाना सिखाएंगे। हम ऊपर भी पॉकेट लगाते हैं,
बट इसमें हम नहीं सिखाएंगे, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, कल हम वैसे भी पीछे हैं थोड़े से। ऊपर भी पॉकेट लगाते हैं, हम ये सिखा देंगे ना आप ऊपर लगा पाओगे, सेम है। इसमें सिर्फ ये एक्स्ट्रा और लगाया है, बल्कि ऊपर वाली में ये दो पट्टी पट्टी लगाई है, तो आप लगा पाओगे। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा वाला सिखाएंगे आपको, ना कि अंदर अंदर वाली। तो इसमें आपको ये चीज समझ आ गई, इसकी अगर यहाँ से फिटिंग वगैरह देखोगे, ये जो पैड लगा हुआ है सेम ऐसे ही, यहाँ से जो आपको मैंने बताया कि ये सिलाई हम लगाते हैं बैक सेंटर में, तो वही थी। आप साथ के साथ पैटर्न भी दिखा सकते हो ताकि इनको थोड़ा समझ आए। इसमें फैब्रिक आप कम ज्यादा दबा सकते हो, इसमें एक एक डेढ़ डेढ़ इंच दबाया हुआ है, लेकिन अब की बार मैंने नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखो तो यहाँ वाला ये कट यही है, ठीक है, ये वाला कट यही है। तो ये जो साइड है इसको आप कितना गहरा करना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, दूसरा एक बार दो चार दिखा दो, ताकि आप सेम इसी मेथड से कितने भी ब्लेजर बना सकते हो। आपने एक ये भी ब्लेजर हमें पहने हुए देखा होगा, शॉर्ट भी बनाना चाहो आप ये भी बना सकते हो, बटन अपने अकॉर्डिंग कहीं भी लगा सकते हो। इसमें एक सिंगल डट डाली हुई है, तो आप इसको मेरे ख्याल से जैसे ही आप एक बार ये ब्लेजर सिलना सीख लोगे ना, तो ये ब्लेजर आपको बनाना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसमें तो एक सिंगल डल्ट ही डाली है, ना पॉकेट लगाई ना कुछ और लगाया है ना। तो और ये मेरा सबसे फेवरेट है, सच बताऊँ तो बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो इसमें भी बिल्कुल सेम मेथड, स्लीव्स में सब कुछ, सब हर जगह वहीं फॉलो किया, सिर्फ कॉलर चेंज है, सेम वही डल्ट है, सारी चीज़ें वही हैं, बस शॉर्ट होने के कारण लुक चेंज हो गया, एक कॉलर चेंज कर रखा। अगर आप इसकी बात करो, ये भी आपने देखा होगा पहने हुए, बहुत ही लाइट कलर दिख रहा है, कम दिख रहा है, ये तो अपने ही फैब्रिक है जो यहाँ पे रखे हुए हैं ये वाले। तो आप कोई भी फैब्रिक अपने अकॉर्डिंग लेके बना सकते हो, सेम कलर है। अगर आपको यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे तो इसमें हमने डर्ट भी स्किप कर रखी है, ठीक है, तो आप सिंपल भी जैकेट के जैसे बना सकते हो। तो कॉलर में कोई मुश्किल नहीं होता, मतलब ब्लेजर में कुछ मुश्किल नहीं होता, हमने तो आपको सारा निचोड़ बता दिया है, अब आप अपने अकॉर्डिंग से उसको कम ज़्यादा कहाँ पे सेट करना वो कर सकते हो। बैक में अगर दिखाए तो बैक में ताकि सेप रहे, एक डर्ट डाली हुई है इसमें कम दिख रहा है, बैक में वही डर्ट डाली हुई जो अभी आपको दिखाई है। हाँ, ये भी आपने देखा, ये भी हमने यहीं से कपड़ा उठाया और बना दिया सीधा सा, ये सिंपल है। अगर हम ये आपको क्यों दिखा रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, इसमें हमने फ्योना का अस्तर लगाया हुआ है, फ्योना का अस्तर लगाया हुआ है। तो कोई भी फैब्रिक लेके आप बना सकते हो, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं आपके माइंड पे थोड़ा सा भी बर्डन ना जाए कि हमें फैब्रिक ही ढूंढना पड़ेगा, कहीं से भी कोई भी, चाहे घर में पेंट का फैब्रिक मिल जाए उसको पकड़ के बना लो, सेम यही होते हैं, कुछ नहीं होते। कोई भी फंकी सा कलर मिल जाए वो उठा के बना लो। तो इसको भी सेम ऐसे ही बनाया हुआ, इसका कॉलर भी सेम है, एक बटन लगा, इसको राउंड शेप दी हुई है, आप चाहो राउंड की बजाय सीधा रख सकते हो, राउंड शेप दे सकते हो। अब जो एक्स्ट्रा हम ये ले रहे हैं ना, ये नीचे से कुछ इस तरीके से स्टिच होता है, जो ढाई इंच एक्स्ट्रा लिया ना वैसे फोल्ड होता है, तो आपको सब चीजें सिखाई जाएंगी। एक ये इसका भी कॉलर थोड़ा सा अलग है, बस कुछ नहीं, आप इसको बना सकते हो। ये हमने ऐसे कट किया है, ये ऐसे कट कर दिया, बस ऐसे कट किया था हमने, उसको ऐसे कट कर दिया। आप एक बार अगर ये सिंपल वाला बना लोगे ना, सारे बना पाओगे। इसमें देखिए जो डर्ट वाला हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यहां से ये डर्ट पॉकेट के ऊपर दिख रही है, यहां से कट दे रखा है, जो हमने अभी बोला नीचे हम डर्ट दिखाएंगे नहीं, वो गायब कर रखा है पैटर्न पे, वो जाएगा नहीं। यहां से जो कट दिया ना, उस कट में वो झोल निकल गया सारा। अब वही चीज सेम, यहाँ से एक चीज और दिखाना चाह रहे थे आपको, कि जो सेंटर में पॉकेट हमने स्टार्टिंग वाले में दिखाई उसमें, और ये हम दिखाना तो कल चाह रहे थे, बट कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कल तो स्टिचिंग हो जाएगी, वही बहुत है। अब यहां से देखिए, अगर आप ये वाली पॉकेट इस तरीके से लगाना चाह रहे हो, तो जो मेन फैब्रिक, क्योंकि ये तो पलट के आता है यहाँ पे आया हुआ, जो इसको आप अपने तरीके से कितना भी बड़ा या सीधा ऐसे के ऐसे शेप में दे सकते हो। ये जो बिल्कुल टाइम खराब करने वाले हमारे, जो हमने दो तीन दिनों से हम लगे पड़े हैं, आधे अधूरे छोड़े हुए हैं कहीं कहीं से, जो हम थोड़ा और इजी बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इजी बना देते हैं, ये भी उठा लाइए। इसमें भी हमने फ्योना वगैरह ही लगाया हुआ है,
इसमें भी फियोना लगा, ये कपड़ा भी यहीं से उठा के हम ट्राई कर रहे थे कि और इजी इसको कैसे किया जाए, तो यहाँ और सही पूछोगे ना, सेम कलर नहीं मिला, बाजू का अलग लगा रखा है नीचे किसको दिखता है भाई। तो यहाँ से आप ये शेप पलटोगे, जब हम सिंपल वाला आपको दिखाएंगे तो आप ये सारे के सारी चीज कर पाओगे। राउंड शेप कॉलर बिना कॉलर वाले हैं भाई ये, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, हमने तो मेथड इजी करने थे। एक ये हमने ये भी कली जो हम बार बार ट्राई कर रहे थे कुछ चीजें, यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना ये ऐसे जाएगा, तो इसमें भी कोई भी फैब्रिक मिला, इनर हमने फियोना का ही उठा के लगा दिया इसमें, तो कहाँ दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। वो ये सिर्फ इसलिए दिखाया आपको, आप कोई भी फैब्रिक लेके घर में कैसा भी पड़ाओ ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो हमारे सभी ब्लेजर का एंड हो गया भाई, ये सारे के सारे हम आपके सामने पहन के आएंगे, आधे अधूरे हैं अभी ये, जब पूरे बन जाएंगे ना जब पहन के आएंगे। आज हम दो तीन दिनों से इतने बिजी हो रहे थे ना, वो इनमें ही हो रहे थे। कल वाली जो वर्कशॉप थी वो किस किस को समझ आई और किस किस ने कोशिश की भाई, एक बार बताइयो। अरे वाह, इतनों ने बना भी लिया। अच्छा दो स्टूडेंट्स वो कौन है भाई जो पूरी रात यहाँ पे काम कर रहे थे, एक बार प्लीज चेहरा दिखाइयो उन स्टूडेंट्स का, कौन है भाई वो, एक बार सामने आइयो, क्योंकि मैं कैमरे में फेस नहीं देख पा रही थी, या फिर अभी पिज्जी में चले गए हैं वो, सुबह गए हैं। पिज्जी वाले भी पूरी रात कर रहे हैं, कल रात को पिज्जी में लेट तक कौन काम कर रहा था और दो लड़कियां यहाँ पे काम कर रही थी, कौन कौन, एक बार सामने आओ, सारे ही आ जाओ, सारे आओ भाई, जो जो भी रात को काम कर रहा था वो काबिले तारीफ है भाई, आ जाइए जो जो भी, एक बार दो मिनट आपके लिए बनती हैं भाई। और जो घर पे भी बहुत रात तक काम कर रहा था वो भी ईमानदारी से आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, घर पे भी कर रहे थे वो, आपकी आंखों में दिख रहा है। वैसे तो सारे ही बच्चे करते हैं भाई मेरे, कहीं सोचो ये आए नहीं है, ये वैसे नहीं आए, बाकी कर सारे के सारे रहे थे। और ये भाई पीजी वाले वो हो ना स्टूडेंट जो कि सोते ही नहीं है भाई, क्या करके मानोगे भाई, मतलब मैं अगर आप सोचते हो कि मैं आपसे दूर रहती हूँ तो मुझे खबर नहीं होती, मुझे पल पल की एक एक स्टूडेंट्स की खबर रहती है कि कौन क्या करता है, क्या कर रहा है, किस टाइम वो स्टूल को उठा के साइड में रख रहा है, किस टाइम वो डिस्पोजल गंदे हो रहे हैं उनको उठा रहा है, हर चीज़ की, कौन कितनी लेट तक काम कर रहा है और कौन पिज्जी में कितनी देर तक काम कर रहा और कौन घर पर भी लेट तक काम कर रहा। अब घर वालों का मुझे कैसे पता, आप सोच रहे होगे भाई मैं आपकी फ्रेंडों से कॉन्टैक्ट रखती हूँ उनको तो बताते हो ना आप, आपके घर वालों से कांटेक्ट रखती हूँ इसलिए। तो भाई एक बार क्लैपिंग करो भाई हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों के लिए जो कि सारी सारी रात लगे रहते हैं, बाकी ये इतना करना नहीं चाहिए भाई, बीमार हो जाओगे सच्ची में जो आप लगे रहते हो। और दो लड़कियां तो मैं कैमरे में देख रही हूँ सारी रात लग रही है, ये सोई नहीं रात, सारा दिन काम किया, रात को पूरी रात मशीन पे, और सुबह उठ के अब पिज्जी में गए, अब भी मुझे लग रहा थोड़ी देर में ही चाय नाश्ता करके फिर से आ जाएंगे भाई, मशीन है के पता नहीं, मेरे स्टूडेंट है भाई ये, कभी मेरा भी ऐसा ही जुनून था, शायद अब भी हो। हम भी कल रात को 12:30 बजे यहाँ से गए हैं इसी चक्कर में कि आज हमें एक बार यूनिवर्सिटी में थोड़ा प्रोग्राम वहाँ पे जाना है और ब्लेजर, ताकि थोड़ा बहुत आधा आधा कुछ कुछ कंप्लीट कर ले, ताकि आधा काम रह जाए और जल्दी जल्दी में दिखा सकें। लेकिन हमें माना कि जल्दी है बहुत ज़्यादा, बट इतनी भी जल्दी नहीं है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स की तारीफ ना कर सकूँ। सच्ची में अब बहुत ही काबिले तारीफ हो और आप सब भी बहुत ही काबिले तारीफ हो, जो चेहरे उठ के नहीं आए सामने, बाकी मुझे पता है एक एक का कि बहुत अच्छी काम करते हो भाई, और ऐसा सोच रहे हो कि लास्ट में फेयरवेल वाले दिन हम रिजल्ट दिखाएंगे मैडम को, एक आधे तो ऐसे छुपा रुस्तम है,
तो मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी उनका रिजल्ट। और अब की बार, हर बार मैं स्टूडेंट्स को ये देख के है ना पीछे हट जाती हूँ कि भाई नहीं तारीफ कर रही मैं, क्योंकि मेरा बहुत मन होता हर जो सबसे सुंदर ड्रेस बनाता है उनको आगे लेके आने का, बस सिर्फ इस चीज से पीछे हट जाती हूँ। दूसरे स्टूडेंट सोचते हैं मेहनत तो हमने ही की थी, बस थोड़ी सी हल्की ड्रेस तो रहेगी, बस ये सोच के मैं वहां पे अपने वर्डों को पीछे खींच लेती हूँ और ना तारीफ। लेकिन अब की बार मैं स्टूडेंट्स को स्टेज पे बिल्कुल लेके आऊंगी, जो जो भी अच्छा काम करेगा उन सबको, ठीक है। तो वहां पे भी फिर अगर मेरी सुई रुक गई कि मेहनत तो सबने की, लेकिन फिर भी मैं अब की बार कोशिश करूंगी कि हाईलाइट करेंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। थैंक यू। एक बार बैठ जाओ भाई प्यारे बच्चों। सच में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता भाई, मैं गारंटी देती हूँ। इतनी तो मैंने भी मेहनत नहीं की होगी जितना मैं आप में जुनून देख रही हूँ। बहुत तगड़े वाला जुनून है भाई। और अगर ऑनलाइन वाले देखे तो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स आते तो उठे नहीं, सारे ही ऐसा कर रहे हैं, कोई घरों से है, कोई यहाँ आसपास से, और कोई पीजी में रह रहा है। और ये लड़कियां काफी ज्यादातर पीजी वाली थी, जो कि इनको किसी तरीके की टेंशन नहीं है, तो ये अपने मजे में काम काम करती हैं, तो ज्यादा ही बेनिफिट होता है। तो चलिए आज की क्लास एक बार स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये पट्टियाँ, और यहाँ पे जो आप देखते हो ना कभी दो पट्टियां इक्वल फिनिशिंग से लगी हुई होती है, जो कि इसमें नहीं दिख रही बिल्कुल भी, दिख रही है उसमें नहीं दिख रही। ओके, जो ये वाली पट्टियां है, जो छोटा सा कट दिख रहा है फिनिशिंग से, ये हम इससे बनाएंगे। ओके, और ये हमारी जो पट्टी रहेगी ये भी हमने रेडी कर लिए, आपको बिल्कुल बताएंगे हमने इसमें। अगर आप देख रहे हो ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये वाली स्ट्रेट है। आप अपने अकॉर्डिंग पूरी राउंड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग पूरी की पूरी राउंड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एक साइड से राउंड एक साइड से स्ट्रेट कर सकते हो। तो राउंड भी आप कर लोगे, आप ये कॉर्नर वाली भी बना लोगे, हमने तो आपको सिखाना है, इसलिए मैंने एक तरफ से राउंड और एक तरफ से स्ट्रेट वाली की है कि अगर ऐसी लगानी पड़े तो कैसे लगाओगे, क्योंकि ये तो दोनों तरफ इक्वल कॉर्नर है, इनको किधर भी कर लोगे, और जो राउंड है वो भी दोनों तरफ होएंगे तो किधर भी कर लोगे। अगर ऐसे ही हो तो वो कैसे बनानी है वो भी हम बता पाएंगे आपको। अब यहाँ से हमने जितना मार्जिन लिया है, इसमें मार्जिन लेना पड़ेगा भाई बच्चों, ध्यान रखना। ये जब हम वो डर्ट बना रहे थे ना उसके अंदर हमने फैब्रिक रखा था, तो वो फैब्रिक आपने रखना है। हमारी जो कटिंग हुई थी डर्ट की वो तो यहाँ तक हुई थी, बट ये तो हमने फैब्रिक रखा है बाद में जब हमने इसको कट किया। जैसा कि हमने मेन फैब्रिक पे, यानी कि मेन जो पैटर्न था उस पर कट करते हुए आपको बताया था। यहाँ से लॉक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से ये डर्ट फिनिशिंग से डाल लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं काटा है, जो हमने बताया था ना कि थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा रह जाए तो उसको आप कट कर लेना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे एज इट इज आपके सामने रखा हुआ है। अब इसमें अगर जा भी रहा है तो बिल्कुल माइनर सा एक्स्ट्रा, जैसे ही डर्ट बंद हुई तो आप इसको उतार सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं। अब इसको कैसे चिपकाओगे, ये तो खुला रह गया, इसमें तो हमने पॉकेट लगानी है, तो चलिए उसका एक तरीका बताते हैं आपको। क्योंकि ब्लेजर का नाम ही बेचारे का बदनाम कर रखा है कि बहुत ही मुश्किल है, बाकी एक चीज देखी जाए तो ब्लेजर से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। ब्लेजर अगर आ गया तो समझ लो आपको सब कुछ आ गया, एक किस्म से अगर देखा जाए तो ब्लेजर आ गया तो सब कुछ आ गया। तो ये अब मुझे यकीन है आप सीख ही जाओगे, तो अपने आप को आप हल्के में मत लेना भाई, आगे से आपको सब कुछ आ गया। जब आप ब्लेजर बना सकते हो तो सारी चीजें बना सकते हो। हाँ, जैसे कि मैं कल देख पा रही थी मेरी काफ़ी लड़कियां यहाँ पे प्रिंसेस कट कुर्ती के लुक में ब्लेजर बना के पहने बैठी थी, तो भाई होनार तो हमारे स्टूडेंट्स पहले से ही है, तो जब वो प्रिंसेस के लुक में ब्लेजर बना सकते हैं तो अब तो वो झंडे गाड़ ही देंगे, मुझे यकीन हो गया। जब तक हमारी वो सिलाई ओपन हो रही है, क्योंकि दूसरा पीस भी स्टिच नहीं कर सकते, सेम सेम हो गया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको समझ आ रहा है। और अच्छा, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वही आ रहा है बिल्कुल, तो थैंक यू भाई बच्चों, कर पाओगे ना आप सारे के सारे? Yes, क्या बात है भाई, वाह, थैंक यू भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी
स्टूडेंट्स मशीन पे लगे हुए हैं, गले में मेजर टेप है भाई, कोई तो ट्रैवल भी कर रहा है और काफ़ी बच्चे भाई, हाँ ट्रैवल वाले समझ गए कि हाँ सच में ही मैडम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रही हूँ भाई मैं, और काफ़ी ऐसे बैठे हैं भाई मेरे जैसे, इस तरीके से बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं भाई। हाँ वेरी गुड भाई बच्चों, और मुझे लग रहा है आप है ना घर पे बैठे हो ना, सबके गले में एक तो मेजर टेप मुझे काफी अच्छा लग रहा है, दूसरा आप घर पे ही बैठे हो ना तो जो ये दुपट्टा लगाए हुए हो ना सिरों पे उतार दो भाई, घर घर पे कौन देख रहा है, एक साइड में एक कोकचे में बैठ जाया करो ताकि रिलैक्स होके हम बन पाए भाई, बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं। अरे अब तो वजन तो हमारा इसको संभालने संभालने में लग जाता है मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्यों ना हम अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो पहले एक बार अपनी बॉडी को रेस्ट दो, फ्री करो सब चीज़ों से और उसके बाद काम करो ताकि मजा आए काम करने में। हाँ काफ़ी स्टूडेंट्स नजर है हमारे, काफ़ी ऑल ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं भाई, वेरी गुड क्या बात है, हम सबको देख पा रहे हैं। हाँ जी, और एक हमारी लड़की तो भाई खाना बना रही है भाई, फिरोजी से कलर में जी बच्चे, वेरी गुड। तो चलिए थोड़ी ही बातें हमारी हो गई हैं, चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं, कीजिए इस तरीके से, यहाँ पे जो हमारे ये राउंड बने हुए थे नीचे की तरफ, इनको भी हमने पलट लिया, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे ये राउंड बन गए, यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर निकल के आ गया है, अगर थोड़ी बहुत फिनिशिंग में कमी है तो एक बार दोबारा से अच्छे से इसको सेट कर सकते हो। अब यहाँ से एक बार आपको दिखा देते हैं प्रॉपर, थोड़ा हाथ जूम आउट कीजिए, हाँ बस यहाँ से कि हमारा कुछ इस तरीके से सीधा हो गया है ये, इस पर हम प्रेस लगाएंगे अब, और इसकी प्रेस से ये क्रीज बहुत फिनिशिंग से बना लेंगे। एक बार दूसरी तरफ से भी दिखा देते हैं इधर से, अब हमने क्या करना है ये देखिए, आपका जो इनर है ना इस तरीके से छोटा बड़ा यहाँ पे ऐसे हुआ है, तो हम ये राउंड प्रॉपर फिनिशिंग से बनाएंगे जो कि हम सीधी तरफ से बनाएंगे, उसके बाद हमने यहाँ से चाहे पिन कर लेना इसको पिन लगा के, और जितना भी ये आ रहा है ना ये देखो कितना लूज आपको अभी दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे करेंगे ऊपर से इक्वल करते हुए, ऊपर से बिल्कुल इक्वल करना है, और इसको प्रेस से क्रीज से बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा देंगे ऐसे में, मोदी वाली जैकेट तो बन गई ना। अभी जैसे कि हमारा यहाँ से ये फिटिंग आप देख पा रहे हो प्रॉपर आई है, बैक से भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इक्वल आया है, और अभी इस पर प्रॉपर पूरी प्रेस नहीं लगी है, स्लीव्स जैसे ही जुड़ेंगी, तो बिना स्लीव्स का भी अगर किसी का पहनने का मन करे तो ऐसा ही पहन लेना भाई, ये कट मैंने यहाँ पे जो लगाया अभी ये हो गया। अब जैसे ही हम इसको ऐसे बनाएंगे ना इस तरीके से, तो इसका क्या बढ़िया लुक आएगा, एक बटन यहाँ पे लगा देंगे, आप देख पा रहे हो कहीं से भी लूज नहीं है, कहीं से भी टाइट नहीं है, एक बटन लगते ही यहाँ पे हमने एक बटन लगाना है, प्रेस से इसको जमा लेंगे, ऊपर कॉलर लगेगा, अच्छा लग रहा है ना। ओके बना पाओगे अब सारे के सारे, मेथड आपको समझ आ गया, और बैक से भी सिर्फ स्लीव्स लगते ही हमारा ये जो लूजिंग दिख रही है ना यहाँ पे, ये लूजिंग इसलिए दिख रही है हम पैड लगाएंगे, वो पैड उठाओ दे देगा और वो ऐसे शेप में आएगा बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग से। तो थैंक यू भाई आप सभी का भी, स्टूडेंट्स और आपका भी, ताकि मैं प्रोग्राम में पहुंच पाऊँ। जी जी बाकी मुझे भी अच्छा लगा सच में, लाइव में पहली बात, एक चीज बताते हैं आपको फिर से, रिकॉर्डेड क्लास कोई भी दे दे लाइव में हाथों की हाथ करके और वो करके दिखाना, वो तो जो वो बहुत बड़ी बात है, और वो भी इस तरीके की, कहीं पे भी कुछ भी अनफिनिशिंग निकल के आ सकते हैं, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हो जो मेरी बेइज्जती करने के लिए आया हो तो वही वो कह दे कि कहाँ क्या था इसमें, कुछ नहीं था, फिनिशिंग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक लाइव में चैलेंज लेना बहुत बड़ी बात है भाई, और मुझे अपने आप पे गर्व है, मैं इतनी सिलाई में बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू भाई बच्चों, तो आपका वर्कशॉप यहीं पे फिनिश करते हैं हम कल का टाइम, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो जो भी जुड़े हुए हो अभी तक जान रहे हो हमें कि हम कैसा सिखाते हैं, कल आपको टाइम बता दिया जाएगा, लेकिन अब हम इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं, एक बस वॉशरूम करने के लिए गए हैं, एक भागते भागते चाय पी है और उससे अलावा कुछ नहीं,
तो हमारा प्रोग्राम मिस हो जाएगा, एक घंटा जाने में लगेगा। हम चाहते हैं सिर्फ एक बार हाजिरी लगा दें, वरना तो आपकी इसी टैलेंटेड रितु इंसा मैडम को एक करार दिया जाएगा कि ये बहुत ही घमंडी है, जो कि मैं नहीं हूँ। तो प्लीज़ मैं एक बार जाना चाहूँगी। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशॉप में, यानी कि इसी में। एक बार जो सिलाई दिख रही है उसको थोड़ा सा साइड कीजिए, वरना अगर यहाँ पे सिलाई नहीं होती तो इसमें प्रॉपर आपको फिनिशिंग दिखती। इस सिलाई को हम बाद में ओपन करेंगे। ये जो हमने 1.5 इंच का कट लिया था, ये इसीलिए लिया था ताकि आपके दोनों कट इक्वल बन जाए, कि जितना हमने कट रखा है उतना ही आपका इस साइड होना चाहिए। अब यहाँ से स्लीव्स पे भी हमने प्रेस लगानी है, और यहाँ से आप देखोगे तो हमारी इस ब्लेज़र का लुक कुछ इस तरीके से आया। अब हमने इसको कट देना होता है कि हम इस कॉलर को किस साइज तक ऐसे रखेंगे। थैंक यू। बाकी ये मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी है, 10 नंबर का साइज है, वैसे 36 होता है, तो इसलिए इसको ये थोड़ा टाइट है। कल मैंने आपको दिखाया था तो मेरे में बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल फिटिंग से आया था। अगर इसकी साइड से हमने कौन से पे प्रेस लगाई है, स्लीव्स देखोगे तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट आपको ऐसे दिखेगी, इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स आएगी। बैक का अगर आप साइज़ देखोगे, कॉलर भी आप देख पा रहे हो बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग से है, और जो इसमें ये कट है वो भी बिल्कुल फिनिशिंग से है। बाकी ऐसी आप सारे के सारे एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर करना। आप जैसा बना दोगे ना इस तरीके का, मैं कहती हूँ कि कोई जो काफ़ी टाइम से ब्लेज़र बना रहा ना, वो भी आपके जैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई करवाया था कभी सालों पहले, और उसको 10 बार तो हमने रिप्लेस किया था कि कमी है कमी है, यहाँ से उठा हुआ ये वो चीज़ उठी हुई है, और ये हम जो बनाते हैं वो एक बार में ही परफेक्ट आता है। तो जो काम हमें आने लग जाता है ना, उसके बाद फिर हमें दूसरों का काम पसंद भी नहीं आता। तो एक बार थोड़ा सा, वैसे तो हमने स्लीव्स पहनी हुई, इसमें वो लुक दिख नहीं पाएगा, फिर भी थोड़ा सा एक बार इसके ऊपर से ही हल्का हाथ डाल के दिखाना चाहेंगे। एक स्लीव्स बिना प्रेस किए, और अभी और भी बाकी इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग देनी बकाया है प्रेस से, तो आप एक बार देख सकते हो। यहाँ से जैसे ही हम इस पे बटन वगैरह लगा देंगे, और बैक से भी कहीं से झोल वगैरह नहीं है, जैसे एक बार प्रेस वगैरह लगेगी तो प्रॉपर फिनिशिंग से आएगा। कॉलर भी आप देख पा रहे हो, कॉलर में भी कहीं पे भी कुछ भी झोल नहीं, तो सब जगह से प्रॉपर फिनिशिंग। यहाँ पे अगर आप चाहो आगे की तरफ, अगर चाहो तो आप एक बटन लगा सकते हो, ओपन रखना चाहो तो ओपन रख सकते हो। हमने बटन वाला बनाया है कि एक बटन लग सकता है, जैसे कि आपने देखा था मैंने 1/2 इंच की लूजिंग ली थी, तो उसके लिए ओवरलॉप ये हो रहा है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप बटन लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो। इसमें हमारे बटन लगेंगे जैसे कि आपको स्टार्टिंग में दिखाया था हमने, आप साइड में बटन लगा सकते हो, 3 बटन यहाँ पे साइड में लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, और आप यहाँ पे 1 बटन या 2 बटन यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट इसमें एक ही लगेगा, 1 यहाँ पे और 2 हम बाजू पे लगाएंगे। अगर बटन की बात करें तो हमने ये बटन इसके लिए सिंपल से लिए हुए हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये वाले बटन हमने लिए हुए। बातों बातों में ही सही कि जब मैं अपने गाँव में गई तो वहाँ कितना ज़्यादा प्यार मिला मुझे, और आज भी काफ़ी सारे वेट कर रहे हैं। तो वो क्या है, इस चीज़ के पीछे हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें किसी का इतना प्यार चाहिए और हमें इतनी सक्सेस चाहिए, जो कि थोड़ी बहुत मुझे मिल चुकी है, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मैं 19 सालों से ये काम कर रही हूँ और लगातार करती ही रहूँगी, क्योंकि जो अब मैं इसका रिज़ल्ट देख पा रही हूँ ना, वो रियल में ही लग रहा है मुझे कि जो मैंने मेहनत की वो सच में ही मेरी सफल हुई। वो आप कैसे देख पाओगे, जैसे कि मेरे घर में फंक्शन है,
सारे के सारे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लास दे रही हूँ। तो अगर आपको भी लाइफ में कुछ करना है ना, तो एक मौके पे, एक आध मौके पे फंक्शन भी साइड करने पड़ते हैं, अपना काम काम होता है। तो थैंक यू भाई आप सबको, जो आप लंबे टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबको भी भाई प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी डाउट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।